हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे आसपास की जितनी मशीनें हैं, जितने भी उपकरण हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर उपकरणों में हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और अगर बात करें वाहनों की, तो वाहनों में जितने भी ब्रेक सिस्टम है उसमें सब जगह आजकल हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम ही समझिए। उसमें भी हाइड्रोलिक यूज ऑयल यूज हो रहा है, जहां पे भी हाइड्रोलिक ऑयल डल रहा है, हाइड्रोलिक तेल डल रहा है, तो वो सब कुछ आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में आता है। आपकी बाइक के ब्रेक से लेके, आपकी गाड़ी के ब्रेक से लेके, आपके ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक से लेके, और जेसीबी मशीन से लेके, और कितनी भी बड़ी बड़ी क्रेन है, उन सब में हाइड्रोलिक सिस्टम यूज होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ये संभव हो पाता है कि इतने भारी भारी टन वजन को हाइड्रोलिक सिस्टम बिल्कुल आसानी से चुटकियों में उठा लेता है, ये कैसे कर पाता है, यही सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में तीन पोजिशन होती है लीवर की। सबसे पहली होती है न्यूट्रल, फिर होती है अप और फिर होती है डाउन। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। पहले जानते हैं न्यूट्रल के बारे में। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, टैंक, पंप, पीआरवी, फोर वे वाल्व और सिलेंडर और पिस्टन, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। इसमें दो तरह की पाइपलाइन होती है, एक होती है आपकी प्रेशर वाली, लाल वाली ये वाली, और दूसरी है नीले वाली, ये वापसी वाली जो टैंक में वापस आता है तेल। अब इसके बारे में बात देखिए, पंप शुरू हुआ है, पंप जैसे शुरू हुआ तो आपका ऑयल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, पाइपलाइंस में प्रेशर थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, और देखिए इधर पीआरवी पे आके रुक गया है प्रेशर, और दूसरी साइड से आगे बढ़ता है प्रेशर आपकी फोर वे वाल्व की साइड में, और इस तरह से फोर वे वाल्व में प्रेशर पहुंच जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ए और बी दोनों पोर्ट बंद किए हुए हैं वाल ने, तो इसलिए प्रेशर आगे नहीं बढ़ता है। तो सिस्टम में पंप चलने से प्रेशर बढ़ता रहता है, तो प्रेशर बढ़ने से ये पीआरवी वाल एक्टिव हो जाता है, प्रेशर रिलीज वाल, और ये तेल को वापसी टैंक में भेज देता है। इस तरह से आपकी पाइपलाइन फटने या दूसरे कंपोनेंट के ख़राब होने का खतरा टल जाता है। तो जब आगे तेल को जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो ये वाल खुल जाती है पीआरवी, और तेल आपका पंप और पीआरवी से होता हुआ टैंक में यहीं पर घूमता रहता है। ये है न्यूट्रल वाले की बात। तो न्यूट्रल इस तरह से होता है। अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की, लीवर अप की। तो लीवर अप के बारे में देखिए, मैं लीवर को जैसे खींचूंगा तो कैसे वाल की पोजीशन बदलती है, ए और बी की, ये बी और ए की कैसे बदलती है, देखिए मैं लीवर खींचता हूँ इधर, ये देखिए आप, देखिए ए के सामने पी आ गया और दूसरा बी के सामने टी आ गया, मतलब प्रेशर के सामने ए आ गया, इस बार ए वाले से प्रेशर जाएगा। अब हमने पंप शुरू किया है, पंप शुरू करने से प्रेशर बनता है लाइन में, देखिए प्रेशराइज जो हाइड्रोलिक ऑयल है, फ्लूड है, वो जा रहा है, और ये आपका इधर फिर पीआरवी पे आके रुक जाएगा क्योंकि प्रेशर उतना नहीं है, तो ये खुलेगी नहीं, प्रेशर आपका तेल जो है वो ऊपर की साइड में जाएगा, फोर वे वाल्व की साइड में, और वाल के अंदर ये घुसने के बाद में ए वाले पोर्ट से, इस वाले पोर्ट से निकल के ये तेल जो है, हाइड्रोलिक ऑयल जो है, ये आपका सिलेंडर के पीछे की साइड में एक्ट करता है, कार्य करता है। तो पिस्टन के, सिलेंडर के अंदर जब ये पीछे की साइड में कार्य करेगा तो इसको पिस्टन को आगे की ओर धकेलेगा पीछे से फोर्स करके, जैसे ही ये देखिए पिस्टन को आगे की ओर धकेला, अब जैसे ही पिस्टन आगे की ओर धकेलता है तो यहाँ पे जो ऑयल रहता है सिलेंडर में वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि पिस्टन अपने आगे वाले तेल को भी पुश करता है, धकेलता है, तो दोनों काम ये एक साथ में होते हैं। आपका पिस्टन भी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करता है, और ये जो वापसी वाला ऑयल जो है, तेल है, ये भी वापसी वाली लाइन से धीरे धीरे निकलना शुरू करता है। तो इस तरह से ये बी वाले पोर्ट से होके फिर से वाल से होके रिटर्न वाली लाइन में जाता है, टी फोर टैंक, टैंक वाली लाइन में देखिए जा रहा है टैंक की साइड में। तो इस तरह से ये ऑयल आपका पिस्टन से होके और टैंक में पहुँच जाता है, तो सर्किट पूरा होता है। अब देखिए पंप आपका घूम रहा है, आगे रास्ता नहीं मिला ऑयल को, तो प्रेशर बढ़ता है और ये पीआरवी वाल्व खुल जाता है, और फिर आपका ये ऑयल यहीं पे घूमता रहता है। तो इस तरह से तेल यहीं से टैंक से पंप से फिर वाल्व में घूमता रहता है, जब तक कि ये कोई मूवमेंट नहीं होता पिस्टन का, हम फिर से लीवर को नीचे नहीं दबाते। तो ये तो कंडीशन होती है अप की। अब बात करते हैं लीवर डाउन वाली कंडीशन क्या होती है। ये देखिए लीवर डाउन में ध्यान से देखिए, जब हम लीवर को नीचे खींचेंगे
इस लीवर को, तो कैसे ये वाल्व का रास्ता कौन सा खुलता है कौन सा बंद होता है ध्यान से देखिएगा। इस बार उल्टा होगा, ये देखिए मैंने लीवर को खींचा, अब देखिए पी के सामने, बी के सामने इस बार पी आ गया, पी वाला रास्ता खुला है, और ए के सामने दूसरे वाला टी। तो चलिए पंप शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पंप के चलने के साथ ही पाइपलाइन में प्रेशर बनना शुरू होता है, ये इधर से प्रेशर दोनों साइड जाएगा, पीआरवी की साइड भी और वाल्व की साइड भी, लेकिन पीआरवी पे आकर रुक जाएगा क्योंकि प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है कि ये स्प्रिंग दब सके। और ऊपर वाल्व की साइड से होता हुआ ये बी वाले पोर्ट से इस बार बाहर निकलेगा, तो ये दूसरी साइड में एक्ट करेगा इस बार पिस्टन की। पहली बार ये पीछे की साइड में काम किया था, एक्ट किया था, इस बार पिस्टन के आगे की साइड में कार्य करेगा जिससे कि ये पिस्टन को नीचे दबा सके, उल्टी दिशा में दबा सके। ये देखिए इस बार आगे की साइड काम कर रहा है तो उसको नीचे नीचे धकेल रहा है, और यहाँ पे सिलेंडर में जो ऑयल रहता है यहाँ पे वो पिस्टन के दबाने के साथ ही प्रेशराइज होता है और बाहर के साथ बाहर की ओर भागता है पाइपलाइन में। ये देखिए ये दोनों काम एक साथ होते हैं, जैसे जैसे पिस्टन आपका नीचे आएगा ऐसे ऐसे ही ये तेल जो है पाइपलाइन से वापस की ओर टैंक की ओर चलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो पिस्टन नीचे आएगा तो तेल को दबाएगा, जैसे जैसे दबाएगा ऐसे ऐसे वो वापस आएगा। तो वापसी के रास्ते से देखिए फिर से वहीं से फोर वे वाल्व से होता हुआ टी से होता हुआ ये जो आपका ऑयल है हाइड्रोलिक ऑयल ये आपका टैंक की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ये क्रॉसिंग नहीं होता है, आगे पीछे पाइपलाइन है, दोनों मिक्स नहीं होता है, एक अलग पाइपलाइन है एक अलग पाइपलाइन है, और ये दोनों टी भी हमें फिजिकली नहीं दिखते हैं, ये सर्किट में मैंने दिखाया है। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिक ऑयल वापस टैंक में पहुंच जाता है। अब आगे रास्ता मिलता नहीं है ऑयल को, पंप लगातार चल रहा है तो प्रेशर बढ़ता है जिससे कि ये वाल्व दब जाता है इसका स्प्रिंग, और ये खुल जाती है पीआरवी वाल्व। और अब क्या होता है, तेल चलता है टैंक से फिर पंप, पंप से फिर रिलीज वाल्व में आ जाता है, तो यहीं पे तेल घूमता रहता है और पूरे सर्किट में एक प्रेशर मेंटेन रहता है। तो इस तरह से ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। अगली वीडियो में हम डिटेल से इस हाइड्रोलिक वाल्व या फोर वे वाल्व के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल से, कि कैसे काम करता है और क्या इसके फंक्शन है, वो पूरा अगली डिटेल में हम अगली वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको आई है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कोई भी कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।